dimension. What do you mean by dimension? Just see, I'm taking one example. Let's say I'm taking example of force, velocity. Let's say I'm taking for example of velocity. Let's say it's a velocity. Unit of velocity is, yeah, okay, just wait. Velocity is what? Displacement upon time. So what is the unit part? Meter per second. You can also like write like this. So also meter one second minus one. It means velocity जो है, it derived quantity है. Derived मतलब वो fundamental quantities पे depend करती है. So what are fundamental? Already we studied the previous lecture, seven fundamental thing. Length, time, mass, current, temperature is a fundamental. तो जो fundamental पे depend करता है उसको derived. तो velocity depends करता है meter और second. ये जो power होता है ना, here. ये जो पावर है वन और माइनस वन, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन. जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, लेट्स से आई एम टेक एग्जांपल ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो उसके यूनिट क्या हो जाएगी? मास क्या होगा? केजी. एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको न्यूटन भी बोलते हैं. तो इसको आप लिख सकते हैं केजी वन मीटर वन सेकेंड माइनस टू. तो अगेन जो ये जो पावर्स आ रही है ना, वन वन माइनस टू, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डायमेंशन. तो डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, पावर्स होती हैं. अच्छा, केजी क्या है? लेंथ, दैट इज फंडामेंटल. सॉरी, केजी मास का यूनिट है जो फंडामेंटल है. मीटर लेंथ का यूनिट है, वो भी फंडामेंटल है. सेकेंड टाइम का यूनिट है, वो भी फंडामेंटल है. इसका मतलब फोर्स जो है वो थ्री फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है. तो फोर्स जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है. सॉरी, अगेन आई एम डूइंग मिस्टेक हियर. इट्स नॉट लेंथ, इट्स मास. तो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है. फोर्स लेंथ पे डिपेंड करता है. और फोर्स जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है. तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. इसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. और वो थ्री फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है. डिपेंड्स ऑन थ्री फंडामेंटल यूनिट्स. तो फोर्स आप बोल सकते हैं कि सर फोर्स जो है ना एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो तीन फंडामेंटल पे डिपेंड करती है. मास पे भी डिपेंड करता है फोर्स, फोर्स लेंथ पे भी डिपेंड करता है, फोर्स टाइम पे भी डिपेंड करता है. और पावर क्या है? जब मास पे डिपेंड करता है तो पावर वन है, जब लेंथ पे डिपेंड करता है पावर वन है, लेकिन जब टाइम पे डिपेंड करता है तो पावर माइनस टू है. तो जो वन वन माइनस टू होता है ना, यही डायमेंशन होता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट अ डायमेंशन. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन. तो डायमेंशन कुछ भी नहीं, दे आर द पावर्स. तो डायमेंशंस आर द पावर्स. डायमेंशंस आर पावर्स. पावर्स हैं, दीज आर पावर्स. ओके, डायमेंशंस आर पावर्स रेज टू फंडामेंटल. वो किसके ऊपर लगे हुए हैं? फंडामेंटल मतलब ये जो पावर्स हैं, दीज आर द डायमेंशन. Dimensions are the power raised to fundamental. Fundamental के ऊपर लगेंगे to give unit of derived quantity. Unit of derived quantity. तो dimension मतलब वो powers find out करना होता है आपको. तो अब हम क्या करेंगे ना, ध्यान सुनो. पहले मैं थोड़ा लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद कॉपी करना. अब हम लोग क्या करेंगे?
सबके लिए नया नया सिंबल बनाते हैं। कैसे? तो आप क्या करेंगे, लुक हियर, मैं समझाता हूँ पहले, उसके बाद तुम कॉपी करना, वेट ना। लुक हियर, हम लोग क्या करेंगे, जैसे हियर इट्स लाइक दिस वे, हम लोग इस तरह से करेंगे, नया सिंबल बनाएंगे इसके लिए। तो व्हाट विल डू, हम लोग मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे, मतलब इनिशियल ले रहे हैं उसका टी लिखेंगे, करंट के लिए आई और ए, आई लिखेंगे, आई भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं, यू आर राइट, आई भी ले सकते हैं, एम्पियर भी ले सकते हैं, और तो हाँ टेम्परेचर भी यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम लोग के यूज करेंगे, थीटा भी यूज करते हैं, के यूज करेंगे, चलेगा। और अमाउंट ऑफ सस्टेन के लिए मतलब मोल यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सस्टेन के लिए एम ओ एल यूज करेंगे, अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो रही है, जस्ट वेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करेंगे, अमाउंट की स्पेलिंग में डबल एम आएगा कि अमाउंट ना, ठीक है, सिंगल एम आएगा, जस्ट वेट, जस्ट वेट, अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एम ओ एल लिखेंगे। तो एक्चुअली हम एम एल टी करेंट का ही टेम्परेचर का के मोल ये यूज करें, ये यूनिट्स नहीं है, सिंबल नए बनाए। तो वेलोसिटी जो पावर्स होते, मतलब हमें पावर्स निकालने, कहने का मतलब ये पावर क्या होगी तो बताना पड़ेगी। तो अगर मास होगा तो एम लिख देंगे, उसकी पावर वन लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना हो, जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे वेट, जैसे मैं फर्स्ट समझाता हूँ, लेट से मुझे एरिया लिखना है, लुकिए एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको मालूम है कि लेंथ भी तुम्हारा एल होगा और ब्रेथ भी एल होगा, तो एल और एल क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, एल टू बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा, टू बोलेंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओके, तो एल टू बन जाएगा। तो जो एल टू है ना, ये इसका डायमेंशन है, एरिया स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो ट्रेडिशन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके बोर्ड्स में एम एल टी दोनों लिखना है, आप कहेंगे एम एम और एल, तो एम और टी तो आता नहीं, तो उसकी जगह जीरो लिखना पड़ेगा, जीरो, हाँ, तो सीबीएसई में पहले एल लिखा, सॉरी स्टेट बोर्ड में आपके बोर्ड में एल लिखा जाता है पहले, फिर एम लिखा जाता है, फिर टी लिखा जाता है, आर यू गेटिंग। लेकिन ये स्टेट बोर्ड का लिखने का तरीका है, एचएससी का, स्टेट बोर्ड, अगर सीबीएसई का होगा तो सीबीएसई वाले पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं, जो डिपेंड नहीं करता है फिर उसको जीरो लिख देंगे, जो डिपेंड, जो उसमें सीबीएसई वाले लिखेंगे कि एचएससी वाले लिखेंगे, नहीं, आप तो स्टेट बोर्ड में जा रहे हैं ना, तब स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे, यहाँ पे तो इंटीग्रेटेड ना, स्टेट बोर्ड है, तो आप एल पहले लिखोगे, एम बाद में लिखो, टी, वैसे रॉन्ग नहीं करते, इट्स नॉट रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, एक सेकंड, जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, कॉपी करो पहले, ओके, लुक हियर, अच्छा पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट डाउन फर्स्ट,
कंप्लीट करने में बताया, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। Boys and girls, complete. Done, boys and girls? Yes, sir. Let's go. Okay, now, so देखो जैसी अब आप जो हैं एग्जाम में L2 लिखोगे गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं जैसी अरिवन पटिशन वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ भी L होता है, ब्रेथ भी L होता है, वो भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा L3। तो इसका बन जाएगा दैट इज L3M0T0। तो मतलब ये L3 का मतलब है वो लेंथ ब्रेथ है, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेस्ट अबाउ 3, ठीक है। ओके नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, वो टेबल आपने कंप्लीट कर लिया क्या, मास लेंथ टाइम ये सब? यस सर। ओके नाउ थर्ड वन समझते जाओ, पहले याद करना पड़ेगा फिर ये सब, हाँ ऐसे नहीं चलेगा। देन थर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का सिंबल हम लोग रो यूज करते हैं, रो इज अ स्टैंडर्ड सिंबल फॉर डेंसिटी। ये रो है, ये ग्रीक लेटर होता है, इसको बोलते हैं रो। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेट किया है ना, L3 होता है, हाँ L3 होता है, तो रख देंगे। तो मास का m रहेगा और वॉल्यूम ऑफ पॉइंट नंबर 2 से ले लेंगे L3, तो ये बन जाएगा L-3m या ML-3, ऐसे भी बच्चे याद करते हैं। एक्चुअली m पहले रखने से याद करना इजी होता था, M1L-3। हाँ आप बोर्ड्स में अगर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले L को लिख लो फिर m। बोर्ड्स में अल्फाबेटिकल लिखते हैं, पहले L आता है ना फिर m आता है फिर T आता है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको 1 कर देना और टाइम तो प्रेजेंट नहीं तो उसको 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं फोर्थ, देन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L और टाइम का T हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल माइन एल वन एम जीरो टी माइनस वन। कंप्यूटर ने फ्यू एग्जांपल, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। व्हाट वी डिड, हमने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया था ना, वॉल्यूम को यहाँ पे रख दिया। In this way we are calculating here. Ye, this is we lost. हो गया डन। नाउ देन फिफ्थ वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन का लिखेंगे तो वेलोसिटी एक काम करते हैं, जो वेलोसिटी यहाँ पे निकाला था ना, इसको इधर रख देते हैं, इधर इधर। तो ये आ जाएगा दैट इज एल वन टी माइनस वन, और टाइम नीचे आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा दैट इज एल वन एम जीरो टी माइनस टू। अच्छा, एग्जाम में अगर पावर लिखना भूल, वन जैसे वन पावर, जैसे एक बार बताओ, पावर लिखना, वन की पावर लिखना जरूरी होता है क्या? नहीं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ना, अगर आप नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि पावर वन है, तो पावर वन नहीं भी लिखोगे तो, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे वन ना लिखे यहाँ पे तो गलत नहीं है, पावर वन लिखने की जरूरत थोड़ी ना होती। इसे क्या टाइम से ओके मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, वन लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है पावर वन है। अच्छा, सिक्स वन फोर्स, फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे लाके रख दो इधर, एक्सेलरेशन हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को लाके रखा था ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन को रख देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास का क्या होगा एम, एक्सेलरेशन पॉइंट नंबर फाइव से निकाल के रख देते हैं इधर, एल वन टी माइनस टू, अच्छा इसमें तीनों आते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज एम एम वन एल वन टी माइनस टू। एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं बोर्ड्स में, एल वन एम वन टी माइनस टू। मैं एम एल टी लिखता हूँ, ठीक है, एम एल टी मुझे याद करना ईजी रखता है, ठीक है, तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। कोर्स हो गया, देन अब हम वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन, वर्क मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक ही तो बात है, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू, नहीं नहीं फोर्स की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके रख देंगे ये, तो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एम वन एल वन, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटर दिस वन और कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो इसमें से ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं? नहीं, आपको स्टार्टिंग के 11 याद करने पड़ेंगे, अगर वो 11 याद है, एक्चुअली डायमेंशन मोर देन 100 होते हैं, दे आर मोर देन 100, बट 100 तो याद नहीं कर सकते ना, तो आपको स्टार्टिंग के 11 याद करने पड़ते हैं, अगर वो 11 याद है तो बाकी 100 कर लोगे, तो आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वर्क सबको याद करना पड़ेगा। मैं वही कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करना है आपको, यू हैव टू लर्न, ठीक है, ओके। नाउ देन हम पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम,
हम लोग वर्क को यहाँ पर रखते हैं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है M1L2T-2 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा M1L2T-3 ठीक है। प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को तो ऊपर से लाके रख देंगे ना हम लोग, इधर से लाके रख देंगे फोर्स को, अब प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा दैट इज M1L1T-2, एरिया क्या होगा, एरिया हम लोग कर चुके हैं पॉइंट नंबर वन में L2, तो ये हो जाएगा M1L-1T-2 ठीक है। तो रिमेम्बर कि फोर्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, फोर्स और एनर्जी ये दो याद रखना, कौन से, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा फोर्स, दूसरा एनर्जी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड एनर्जी। देन मोमेंटम, मोमेंटम कंफ्यूज मत हो ना, पावर को भी पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का एम हो जाएगा और वेलोसिटी का LT-1, अभी करा तो हमने पॉइंट नंबर 3 में किया M1L1T-1 ठीक है, मोमेंट। फिर और क्या आ सकता है, नो आई थिंक इतना बहुत है, चार्ज भी याद कर लेना, चार्ज 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 का क्या होता है, Q = IT, तो चार्ज का हो जाएगा आई का आई हो जाएगा, टी का टी हो जाएगा, आई टी I1T। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है दैट इज T-1। तो छोटे छोटे भी कुछ है याद रखना इसको, और हाँ बेटा बोलो। अभी जो हमें टाइम टेबल मिला ना इसका वीकली टेस्ट का, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो उसमें से कुछ कट है क्या, लाइक सिर्फ कॉलेज के लिए कुछ पोर्शन कट है क्या? नहीं कॉलेज के लिए ओके, जूनियर कॉलेज के लिए हाँ आपको रिडक्शन किया गया था ना, मैं आपको देख के बताऊं कि मैं आपको पोस्ट करता हूं ग्रुप में, मंडे दिस कमिंग मंडे
अरे लेकिन ये तो पूरा तुम्हारा हुआ ही नहीं। हाँ ना सर, कैसे क्या करे फिर, अभी तो हमें सिखाया जा रहा है और वो कंपलसरी है कॉलेज का है तो। दूसरा वाला चैप्टर रखवा दे क्या? वेक्टर रखवा दे, मैथमेटिकल टूल। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सेवन कोई डाल दिया है? कौन से सेवेंथ को ही डाल दिया इन्होंने? मेरे को लगा कि नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, बट अच्छा ठीक है। सो कैन यू टेल मी द पोर्शन? ग्रुप में आया है ना बेटा? हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आया है। हाँ यार, ग्रुप में मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नो फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसा नहीं सबका डायमेंशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैविंग नो डायमेंशन, रेशियोज हैविंग नो डायमेंशन का कोई डायमेंशन नहीं होता। हैविंग नो डायमेंशन ना, व्हाई इनका कोई डायमेंशन क्यों नहीं होता? जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल, अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अपोजिट हाइट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। लुक हियर, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ है और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, तो लेंथ और लेंथ विल कैंसिल। तो इसका नो डायमेंशन, एम जीरो एफ जीरो टी जीरो, नो डायमेंशन, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अगर नो डायमेंशन का मतलब होता है नो डायमेंशन, ओके। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, द सेम थिंग, लेंथ अपॉन लेंथ, तो नो डायमेंशन, एम जीरो एस जीरो टी जीरो, इसलिए इसको कोई डायमेंशन नहीं होता। ये ध्यान रखना कि साइन कॉस थीटा ये सब टैन थीटा किसी सबका डायमेंशन नहीं होता। इज इट क्लियर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका डायमेंशन नहीं होता। रिमेंबर दिस वन, कॉपी दिस वन, इट्स ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। Trigonometric ratios are having no dimension, remember. Angle. Angle having no dimension.
एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, आर्क अपॉन रेडियस, कल बताया था एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क भी लेंथ होता है और रेडियस भी लेंथ होता है, तो अल्टीमेटली नो डायमेंशन, एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है, ये बात ध्यान रख। तो एक्चुअली सबका डायमेंशन नहीं होता है, ऐसा नहीं सबका डायमेंशन होता है, ठीक है। ये डायमेंशन पार्ट समझ में आया, ये वाला बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? ओके, अच्छा इसका यूज बता देते हैं, डायमेंशन का यूज क्या होता है, टेस्ट दे दो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, यूजेस ऑफ डायमेंशन पे आते, इसका यूज क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशन कंप्लीट कर लिया, तो मैं यूजेस पे आऊं। अच्छा, यूजेस ऑफ डायमेंशन पे आते, फर्स्ट टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ये चेक करने के लिए होती है कि इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट है कि इनकरेक्ट, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टेक एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप कहेंगे तो करेक्ट है, हाँ चेक कर लेते हैं ना करेक्ट है कि नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर मैं a इज इक्वल टू b लिखता हूं, इसका मतलब अगर इक्वल होना चाहिए तो इसका मतलब a और b दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं a प्लस b लिखता हूं तो इसका मतलब लाइक एक जैसी क्वांटिटीज को ही तुम ऐड कर सकते हो। एक बार बताओ, तुम ऐसा कर सकते हो क्या, फोर्स प्लस वेलोसिटी, ये करेक्ट है क्या, ये रॉन्ग है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं फोर्स प्लस वेलोसिटी, फोर्स में से फोर्स को ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, फोर्स में वेलोसिटी थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं, वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये करेक्ट है क्या, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फोर्स में आप फोर्स माइनस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट माइनस कर सकते हैं, मतलब एक जैसी क्वांटिटीज ऐड होती हैं और एक जैसी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती, समझा क्या। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, दोनों एक जैसी क्वांटिटीज होंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो भी करेक्ट है, दोनों एक जैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा रखना, कुछ ऐड हो रहा है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमेशा वो डायमेंशन सेम होना चाहिए। या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी अपॉन ई, तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर, तो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, z का डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, a का डायमेंशन b c के इक्वल होना चाहिए, इसका डायमेंशन d अपॉन e के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें चेक करनी है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एड हो रहा है उनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो इक्वल टू है उनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। और अगर कोई इक्वेशन है तो ऑल द टर्म्स मतलब होता है दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर, सबके टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, ये बात क्लियर हुआ। तो अब यहां पे हमें चेक करना है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो इसका मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वन टू थ्री, तो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो LHS, LHS डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा लेंथ, ठीक है, आरएचएस पे आओ, यू इंटू टी, यू क्या था बेटा वेलोसिटी ना, एल टी माइनस वन, और टाइम तुम्हारा टी था, तो दोनों को करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी एल आ जाएगा। और आइए हाफ ए टी स्क्वायर, अच्छा ये ध्यान रखना नंबर्स कॉन्स्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, नंबर्स हैविंग नो डायमेंशन, नंबर्स आर डायमेंशन, नंबर को कोई डायमेंशन नहीं होता, ये ध्यान रखना नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, हाफ छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हाफ को छोड़ दो, ए ले लेते हैं, ए एक्सलेशन क्या था एल वन टी माइनस टू, और टाइम का टी था, ये स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली हाँ सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वन आ जाएगा, तो ऑल हैविंग ऑल द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन, ऑल द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन, हैविंग सेम डायमेंशन, देयरफोर यू कैन से इक्वेशन इज करेक्ट। कैरी कटिंग कैसे चेक करेंगे, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, अगर एक भी मिसमैच हुआ तो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। और एक नई बात हमने तुम्हें यहां भी ये सिखाई कि नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता, नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता, रिमेंबर दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स हैविंग नो डायमेंशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, इनका डायमेंशन नहीं होता, फ्रैक्शन में या कुछ भी इनका डायमेंशन नहीं होता। नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, ध्यान रखना, बाकी